नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने जहरीली शराब से मौतों से पीड़ित परिवारों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जहरीली शराब पीने से पंजाब में अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अमरिंदर सिंह ने इस मामले में एक्साइज ऑफ टैक्सेशन ऑफिसर गुरदासपुर के लवजिंदर बरार को, अमृतसर के बीएस चहल और तरन तारण के मधुर भाटिया को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ ही गुरदासपुर के एक्साइज ऑफिसर रवि कुमार, अमृतसर के गुरदीप सिंह, फतेहाबाद के पुखराज और तरन तारण शहर के हितेश प्रभाकर को भी तत्काल सस्पेंड कर दिया है। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इसके साथ ही मामले में एक्साइज विभाग के 7 कर्मियों के साथ 2 DSP और 4 SHO के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। आखिर पंजाब में इस तरीके से ये जहरीली शराब आई कहां से? लगातार पंजाब में ये आरोप लगते रहे हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी होती रहती है, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार कई राज्यों में लॉकडाउन के तहत बहुत ही चौकसी बरती जा रही है, लेकिन इस बीच जहरीली शराब का वितरण हो जाना ये बहुत चिंता का विषय है। पंजाब में जहरीली शराब के चलते ज्यादा मौतें तरन तारण जिले में हुई हैं, जहां 63 लोग जहरीली शराब के मौत के शिकार हो चुके हैं। इसी के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 86 हो चुकी है, जबकि पुलिस ने 25 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है।